सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक सीक्रेट एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं भैया, पुराने पोल के हमसे बात कर रहे थे कि क्या आपको चाहिए कैसा फोन जहां पे आपको मिल जाएगा थोड़ी सी डिस्काउंट कीमत में, लेकिन भैया आएंगे तरह तरह के एड्स जगह जगह भैया फंस फंस के। तो आप में से 88% ने बोला कि नहीं चाहिए ऐसा फोन, भैया भागे ले जाओ दूर इस फोन को। बाकी बोलते हैं काम चला लेंगे, कीमत अगर थोड़ी कम मिल रही है भैया हो जाएगा शायद हमारा फायदा। दोस्तों ऐसे में आज का पोल आपसे ये है कि मैं हूँ फिलहाल मुंबई में और यहाँ पर दोस्तों से मिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही कमाल इवेंट है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने का। तो मतलब बहुत ही एक बड़ी सी बात है और मेरे को बस अभी रिकॉर्डिंग के बाद चाहिए दोस्तों भागना है उसी इवेंट के लिए। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसका एक कंप्लीट बनाऊं थोड़ा मसालेदार सा व्लॉग, क्या रहती है दोस्तों आपके मन की बात, मैं बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और बातें जोड़ लो सारी एक साथ, नहीं भी जोड़ो तो भी एक स्पेशल लाइक तो बनता है। दूसरा पहला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे लिनोवो के Z5 Pro को लेके फोन लॉन्च हो गया है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, 95% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ड्यूअल कैमरा आगे ड्यूअल कैमरा पीछे, IR फेस अनलॉक, 6GB की रैम, 64 या फिर 128GB की स्टोरेज, प्रोसेसर दोस्तों है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 710 और जो कीमत आती है इंडियन रुपीज में वो है करीब करीब 19-20 हज़ार रुपये के आसपास। अब आप दोस्तों ऐसे में ये बताओ कि लिनोवो ने ये काम ठीक है अच्छा किया Z5 Pro, लेकिन पहले क्यों बोलते हैं कि हम तो लेके आएंगे 845 बाद में लेके आते हैं 710। मतलब पिछली बार भी ऐसे किया था कि अपनी प्राइस के हिसाब से फोन में दिक्कत नहीं है, जैसे कि लिनोवो Z5 था वो भी एक अच्छा फोन था अपनी प्राइस के हिसाब से, लेकिन पहले इतनी हाइप क्यों? देखो क्या होता है इंडिया में, क्या ये फोन कभी आता है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है हमारे टिम अंकल के लिए। दोस्तों यहां पे आया है iOS का अपडेट 12.1 और ये दोस्तों लेके आ गए अपने साथ में प्रोसेसर थ्रॉटलिंग पुराने iPhones के लिए, जहां पे बात हो रही है iPhone 10, iPhone 8 और 8 प्लस की। Apple बोलता है लेकिन हार्डवेयर अच्छा है तो थ्रॉटलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड कम नहीं होगी, यूजर्स को फील नहीं होगा, लेकिन यार क्यों? कभी आप बैटरी को कम कर देते हो, कभी आप बैटरी को बढ़ा देते हो, कभी आप प्रोसेसर की स्पीड कम कर देते हो, मतलब यार जो भी बातें Apple करता है समझ के खैर बाहर ही है। देखो अभी क्या होता है आगे चल के, ऐसा ना हो दोबारा लोग सू करना स्टार्ट कर दें। देखते हैं कितनी स्पीड कम या फिर ज्यादा होती है इसी अपडेट के बारे में इन्हीं पुराने डिवाइसेस की। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Hyundai और किया की तरफ से, और बात दोस्तों हो रही है कि भैया ये अभी अपनी गाड़ियों के ऊपर करने वाले हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सजावट। बात दोस्तों हो रही है यहाँ पे भैया लगाने के सोलर पैनल गाड़ी के भैया ऊपर की तरफ, छत की तरफ, और भैया और बाकी मेन आपके फ्लैट पोर्शंस पे जहां पे एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, और ऐसे में दोस्तों जो बैटरीज वगैरह उनको सीधा ही चार्ज कर लिया जाएगा गाड़ी के अंदर ही। तो मतलब जो इलेक्ट्रिकल दोस्तों है आपकी गाड़ी, मतलब जो आने दोस्तों मतलब फ्यूचर ही समझ लो आप एक तरीके से, वो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा जहां पे हमारे पास में सोलर पैनल्स जो है वो गाड़ी के ऊपर ही लगे हैं। अब ये कितनी बिजली पैदा करेंगे और कैसे काम करेंगे वो देखते हैं आगे चले किसी अपडेट में। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है MIT की तरफ से, और यहां पर दोस्तों MIT ने जिस AI को भी डेवलप किया है वो अभी लैंग्वेज जो है वो भैया सीखती है किसी बच्चे की तरह। मतलब जैसे घर में बच्चा होता है वो अपने आप देख देख के सुन सुन के अपना दिमाग लगा लगा के एनालाइज कर करके शब्दों का मतलब निकाल लेता है, धीरे धीरे वो बात करना स्टार्ट कर देता है। अगर कल कोई नया शब्द भी मिले तो भी किस तरीके से बोला गया है, किस रेफरेंस से बोला गया है, तो भी वो अज्यूम कर लेता है कि भैया उसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों ये भी कुछ AI ऐसी ही है, आगे चल के मतलब समझ लो ना रोबोट्स घूम रहे होंगे चारों तरफ और हम बस घिर जाएंगे, देखेंगे उनसे बात कैसे करते हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल की तरफ से, भैया बात हो रही है एप्पल वॉच के वॉच OS अपडेट की, जहां पे भैया ये जो है ये घड़ियों को कर रहा था ब्रेक, बोले दोस्तों हो रही थी खराब, बना रहा था पेपर वेट उन घड़ियों को, एप्पल ने बाद में उसको स्टॉप किया और पुल कर लिया वो अपडेट। अभी जिनकी घड़ियां खराब हुई हैं दोस्तों देखते हैं कि उनका क्या होता है हिसाब किताब, लेकिन ऐसे में ये एक अच्छी बात भी है एप्पल की और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात ये कि अपडेट सबको जो है वो एक साथ मिल जाता है पूरी दुनिया भर में, मतलब और सबसे पहले मिल जाता है अपडेट वगैरह, लेकिन बुरी बात इसमें ये लगती है कि भाई अगर कुछ इशू है तो एक साथ हजारों लाखों डिवाइसेस जो है वो हो जाते हैं इफेक्ट। तो ये है फिलहाल अपडेट एप्पल वॉच के अपडेट को लेके, अपडेट को लेके। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है अपडेट मिल गया है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है भैया दुनिया के पहले फ्लेक्सिबल फोन की, और यहाँ पे भैया ये दोस्तों कंपनी है इसका नाम सैमसंग नहीं है, इस कंपनी का नाम है यहाँ पे फ्लेक्स पाई, और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है एक 7.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले जहाँ पे है 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो, जो कि है किसी एक टैबलेट की तरह दोस्तों करते हैं उसको थोड़ा जोर लगा के फोल्ड, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक 4 इंच के डिस्प्ले साइज वाला स्मार्टफोन। हालांकि ये इतना कुछ प्रैक्टिकल डिवाइस नहीं है, डिजाइन इसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो भैया आप यूज कर पाए, और जो कीमत है वो है करीब
₹91,000। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक मजे की बात यह है कि आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 के नेक्स्ट वाला प्रोसेसर, जो कि दोस्तों अभी जो नाम सामने आ रहा है वो है स्नैपड्रैगन 8150, जिसको शायद हम स्नैपड्रैगन 855 भी कहेंगे, जो कि बना है 7 नैनोमीटर पे। तो देखो भैया अभी सैमसंग जो है वो कैसा करता है अपने डिज़ाइन को चेंज, या भैया किस तरीके से रखता है अप्रोच ऐसे ही फोल्डिंग स्मार्टफोन की। एक जो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वाला वर्किंग फोन या टैबलेट कुछ भी कहें, वो तो खैर मार्केट में लॉन्च हो ही गया है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ भैया गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज व्हाट्सएप को, जहाँ पे हमारी सरकार ये बोलती है कि देखो भैया जो आपके पास में इंक्रिप्शन है हम उसको डिक्रिप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो आप रखो अपने पास में। लेकिन अगर भैया कोई दोस्तों ऐसा मैसेज है जो कि मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसने कुछ प्रॉब्लम्स फैलाई हैं, तो उसको एटलीस्ट ट्रेस करने का हमको ऑप्शन मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट्सएप क्या देता है जवाब, कि मतलब मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं करना है, ट्रेस करना है। कुछ कुछ मैसेज अगर कभी कुछ ऐसे निकलते हैं तो देखते हैं कि व्हाट्सएप ये काम सरकार के साथ में मिलकर कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे ऑनर के फ्लाई पॉड को लेके, जो कि एक तरीके दोस्तों कॉपी है, बोले तो इंस्पायर्ड है एप्पल के एयरपॉड से, नाम भी तो है ना पॉड और पॉड। यहाँ पे दोस्तों डिजाइन भी ऑलमोस्ट वैसा सही है, डिबिया भी उसकी वैसी है। अगर आप खोलते हो तो भैया फोन के बल होते हो तो वही उस टाइप का आता है। यहाँ पे पेयरिंग मेन्यू दिखाता है, बैटरीज वगैरह। तो ये लॉन्च कर दिया है चाइना में, और ऐसे में दोस्तों जो आपको मिलती है बैटरी लाइफ वो है करीब 3 घंटे की। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ पे यूज करते हैं साथ में भैया इस केस को, तो आप सुन सकते हैं अपने फेवरेट गाने वगैरह करीब 20 घंटे तक। तो ये है फ्लाई पॉड, एयरपॉड, फ्लाई पॉड, पॉड टैक्सी इंडिया में क्या करे, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो यहाँ पे शाओमी की तरफ से, और भैया शाओमी ने किया है ट्रोल यहाँ पे वन प्लस को। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है पोको F1 और वन प्लस 6T की। आपने एड जरूर देखे होंगे भैया यूट्यूब पे चल रहे हैं बहुत सारे, और दोस्तों ऐसे में यहाँ पे न सिर्फ एड चल रहे हैं, यहाँ पे शाओमी जो है वो कैलकुलेटर भी दे रहा है लोगों को कि भैया डू द मैथ, यहाँ पे देख लो कौन सा फोन कितने का मिल रहा है, जो भी सारी बातें हैं। लेकिन यार ऐसे में मेरा ये मानना है कि दोनों फोन्स अपने आप में अलग अलग हैं। Xiaomi के पोको की कुछ अपनी खासियत है, OnePlus की कुछ अपनी खासियत है। तो ऐसे में खैर आप बन जाओ जज, मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि आप दोनों में से किसको प्रेफर करते हो और क्यों, क्योंकि दोनों में ही अपनी अपनी कुछ कुछ खूबियां हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है Airtel की तरफ से। ओपन सिग्नल ये बोलता है कि एयरटेल के पास में है इंडिया में बेस्ट डाउनलोड स्पीड्स 4G की, और जियो के पास में है सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी 4G की। मैं भी जहां पे हूं मुंबई में, और ये काफी अच्छा इलाका है, और यहां पे एयरटेल मैं यूज कर रहा हूं। मैंने स्पीड टेस्ट किया और स्पीड टेस्ट कुछ ऐसा आता है, अभी पता नहीं यार, स्पीड टेस्ट कुछ बोलता है, ओपन सिग्नल कुछ बोलता है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। एयरटेल मज़ा नहीं आ रहा। मैं जियो एक्चुअली यूज़ नहीं कर पा रहा, बिकॉज मेरे पास में दोनों ही फोन्स में सिंगल सिंगल सिम है, मेरे आईफोन में और पिक्सल 3 में। मैं सोच रहा था अपडेट आ जाएगा अभी आईफोन XS में, तो उसमें मैं जियो सिम को कॉन्फिगर कर लूंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा हूं। तो देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है भैया यहां पे, और एयरटेल अच्छा लगता है कि जियो, बताओ थोड़ा नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है व्हाट्सएप को लेके, यहां पे भैया एक आ गया दोस्तों अपडेट अभी फिलहाल एंड्रॉइड बीटा में, जहां पे आप किसी ग्रुप में प्राइवेट रिप्लाई कर सकते हैं किसी पार्टिसिपेंट को। तो मतलब आप जो ग्रुप के बाकी लोग हैं उनको मालूम नहीं चलेगा, दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑप्शन सीधा का सीधा प्राइवेट रिप्लाई करने का। तो ये एक अच्छी बात है, कभी कभी अगर आपको बात करनी है ग्रुप में अचानक से, बस एक अंदर की बात पूछनी है फिर दोबारा पूछो चैट करना है, तो मतलब ये जो रिमोट मतलब समझ लो चैट का एक ऑप्शन, एक तरीके से प्राइवेट चैट का ऑप्शन है, तो ये आ गया है, आगे चल के स्टेबल अपडेट के अंदर भी आ जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर, भैया कर लिया है टाई अप गूगल मैप्स के साथ में। अगर आप डालते हैं कोई लोकेशन तो भैया नीचे आता है ऑप्शन कि आपको क्या सफर करना है आमिर खान के साथ भैया घोड़े पे बैठ के। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप करते हैं चलो पे क्लिक, तो आप यहां पे दोस्तों देखेंगे मैप में कि भैया आप जो है वो दिखते हैं एक तरीके से घोड़े के ऊपर सवार, और चली जा रही है गाड़ी यहां पे गूगल मैप्स के बीचों बीच। तो काफी एक अच्छा आइडिया है प्रमोशन को लेके, देखो गूगल ने यहाँ पे क्या कमाल काम किया है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे ऑनर मैजिक 2 को लेके, ये हो गया भैया लॉन्च यहाँ पे चाइना में, और यहाँ पे है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, स्लाइडिंग मैकेनिज्म, 3 कैमरा पीछे, साथ दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे 6.39 इंचेस के डिस्प्ले की। इसके अलावा भैया यहाँ पे जो बात है वो प्राइस की कुछ ऐसी है कि आपको मिलता है प्राइस का जो बेस वेरियंट वो करीब ₹40,000 के आसपास। यहाँ पे है दोस्तों 40 वॉट की सुपर चार्जिंग, साथ मिल जाता है वावे का अपना हाई सिलिकन क्रीन 980 प्रोसेसर, 8GB तक की रैम। तो मतलब यहां पे बहुत सारी बातें हैं जो कि दोस्तों यहां पे होती हैं शामिल इस फोन में। 3D फेस अनलॉक वगैरह भी आपको इसमें मिलता है। तो देखते हैं कि ये फोन इंडिया में आता है कि नहीं आता है, तो किस प्राइस पे आता है, क्योंकि ये काफी अच्छा फोन हो सकता है अपनी कीमत के हिसाब से। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।